सो वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम आर्टिकल देखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि ट्रिप्स क्या है, आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हो, ये हमारा आर्टिकल है। तो शुरू में बात करते हैं, कहना क्या चाहता है ये। कह रहा है जैसे एड्स के केस में दवाइयाँ सस्ते रेट पर मिलती है, इसी तरीके से कोविड-19 वैक्सीन भी सस्ते रेट पे मिलेगी। कंडीशन एक है कि जो पेटेंट राइट्स है उनको वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए। अब समझते हैं क्या है पेटेंट, सारी चीज़ों का मतलब एक बार समझते हैं। लाइसेंसिंग क्या होती है, ठीक है, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई कंपनी है एक, और इसने कोई दवाई बना दी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाइफ़र वैक्सीन है, यूएसए ने बनाई है, तो जिस कंपनी ने पाइफ़र बनाई है उसके पास एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, यानी पूरे अधिकार होते हैं कि बस वही कंपनी उस वैक्सीन को बना पाए। और इसको ही कहते हैं पेटेंट राइट, यानी इस कंपनी ने वो प्रोडक्ट अपने नाम से पेटेंट करा लिया है, कोई और कंपनी इसकी इच्छा के विरुद्ध ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती। इतनी बात समझ गए कि पेटेंट क्या होता है। अब जब पेटेंट राइट्स एक कंपनी के पास होते हैं पर्टिकुलर, तो वो कंपनी उसका प्रोडक्ट का कुछ भी प्राइस रख सकती है, कितना भी, जितना भी चाहे उतना प्राइस रख सकती है। यानी इसकी क्या होगी, मोनोपोली। मोनोपोली किसे कहते हैं कि मार्केट में बस एक ही प्लेयर है जो वो उस चीज़ को बनाता है, और वो उसका कुछ भी रेट रख सकता है, यानी तानाशाही कह लो एक किस्म से, तो वो कितना भी प्राइस इसका रख सकता है। तो ये तो बात होगी कि पेटेंट राइट्स होते क्या है, इससे ये बंदा ये कंपनी कितना भी पैसा कमा सकती है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर ऐसा होने लगे, होता है मैक्सिमम ऐसा होता है, तो क्या होएगा, वैक्सीन के रेट ज़्यादा होएंगे और प्राइस ज़्यादा होगे, तो आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाएंगी उसको, और ये क्या हो जाएगा, अनइक्वालिटी हो जाएगी और सोशल जस्टिस डिनाइड होएगा। तो यहीं पे ये कहना चाहता है कि देयर आर रिकॉग्नाइज्ड वे टू ओवरकम द पेटेंट हर्डल्स, कि पेटेंट्स को हटाओ एंड इंश्योर सोशल जस्टिस एंड बूस्टिंग द कोविड-19 बैटल। समझ गए बात। अब इसको टैकल करने का क्या वे है कि ये प्राइस ज़्यादा ना रहे, तो दो तरीके हैं भाई। मैं पहला तरीका बताता हूँ आपको। जब इस कंपनी को पता लग गया कि हमसे इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही कि सबकी नीड्स को मीट कर सके, तो ये क्या करेगी, अपनी इच्छा से लाइसेंस देना शुरू कर देगी कुछ लोकल कंपनीज़ को कि भाई आप हमारे नाम के ऊपर आप क्या वैक्सीन बना सकते हो। समझ रहे हो, एक किस्म से अपना फॉर्मूला इनके साथ शेयर कर देगी। और इसको अगर अपनी इच्छा से ये शेयर करे, उसको ही कहते हैं हम वॉलंटरली लाइसेंसिंग, यानी अपनी इच्छा से जो इन्होंने अपना लाइसेंस दिया है किसी और कंपनी को कि आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो फिर ये क्या करती है, कंपनीज वैक्सीन बनाती हैं और उनके रेट बहुत लो होते हैं। इसको ऐसे समझे, पाइफ़र कंपनी है यूएसए की, अगर वो हमारे इंडिया की कंपनी को लाइसेंस दे दे, तो इंडिया की कंपनी जो मैन्युफैक्चर करेगी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, तो वैक्सीन की भी कॉस्ट कम होगी, और सब लोग इसको ले सकेंगे, और ये क्या होएगा, एक सोशल जस्टिस यानी समाज के साथ न्याय होगा। तो समझ गए आप कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या है, कि कंपनी अपनी इच्छा से लाइसेंस दे दे कुछ कंपनीज को कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो वैक्सीन। अब इसको क्या फ़ायदा इस बात का, देखिए जब कोई कंपनी अपने पेटेंट राइट देती है तो उसको रिटर्न में 3% की रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, अगर इसने 100 रुपये की वैक्सीन बेची तो उसमें से 3% यानी 3 रुपये इसको किसे देने पड़ेंगे, इस कंपनी को। समझ गए इस कंपनी का क्या फ़ायदा है, इसने कुछ नहीं किया, बस अपना फॉर्मूला शेयर किया। तो ये तो क्या, वॉलंटरी लाइसेंसिंग। तो यही कहा गया है कि इस आर्टिकल में कि दो तरीके हैं इस टाइम पे कि क्या कर देना चाहिए कंपनीज़ को, जो ये पेटेंट राइट है जिनके पास, उनको वॉलंटरली अपनी इच्छा से लाइसेंस दे देने चाहिए दूसरी कंपनीज़ को, जिससे कि लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो सके, मास प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। अब दूसरा तरीका क्या है कि इस कंपनी के जो पेटेंट राइट्स है वो कैंसिल कर दिए जाए। ऐसे कैसे भाई, सस्पेंड पेटेंट राइट्स, वही यहाँ पे लिखा गया है। और इसके लिए, इस चीज़ के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO को अप्रोच किया। अब WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
पूरी दुनिया में जो भी ट्रेड हो रहा है और उसको जो देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO है, और ट्रेड ट्रेड वैक्सीन्स में भी तो ट्रेड ही हो रहा है, तो उसको देखने के लिए भी क्या है, WTO। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका पिछले साल WTO के पास गए कि आप सारी कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दो और रीज़न क्या दे दो कि इट्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, समझ गए। तो सस्पेंड पेटेंट राइट, इसके पेटेंट राइट जब सस्पेंड हो जाएंगे तो कोई भी कंपनी फिर इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकेगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा अपने आप ही। अब ये देखिए कि ये पेटेंट राइट्स आते किस सेक्शन के अंदर है। एक WTO ने 1990s में एक एग्रीमेंट किया था जिसको कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये देखिए लिख रहा है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब क्या है कि ये अलाउ करता है किसी बंदे को जिसने वैक्सीन फर्स्ट टाइम बनाई है कि वो अपना पेटेंट राइट ले सके, ठीक है, ये राइट देता है, इससे मिलता है इसको अधिकार कि वो पेटेंट रख सके। तो अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका गए WTO पे कि इस ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि इट्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो इतना था इस आर्टिकल में इन चीज़ों के बारे में। अब सोच के देखो, अगर ये पेटेंट राइट वाली कंपनी ना माने तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसमें आंसर दिया गया है कि अगर ये कंपनी ना माने तो आपको जो करना पड़ेगा वो है कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब आप देखते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मना कर दे मैं लाइसेंस नहीं दूंगी किसी को, तो फिर क्या करते हैं, किसी भी देश की सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है, यानी इससे बिना पूछे अपने देश की कंपनीज को अलाउ कर सकती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो इसका फॉर्मूला यूज़ करके। अब वो कैसे भाई, देखो कंपलसरी लाइसेंसिंग में ये बंदा मना कर गया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल USA की इस कंपनी ने मना कर दिया, लेकिन भारत की कंपनियों को भारत ने कह दिया कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो उस केस में क्या होएगा, भारत की जो कंपनियां इस वैक्सीन की डब्बी को उठाएंगे, ठीक है, ये वैक्सीन हो गई, इसको उठाया और इसको करेंगे वो क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आप पूछोगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, आप अगर बीटेक किया किसी ने तो आप पढ़ोगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, किसी फाइनल प्रोडक्ट से उसका इनिशियल प्रोडक्ट बनाना। इसको ऐसे समझे, वैक्सीन को उठाया वो देखेंगे वैक्सीन कैसे बनी है, पहले उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे, जैसे कि हम आटा बनाते हैं, ठीक है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ देते हैं, तो अगर आटे को देखा जाए जो बना होता है गूंथा हुआ आटा आता है, तो उसमें देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या मिला है, एक तो सूखा आटा और पानी, ठीक है, फिर आटे को देखेंगे आटा कहीं से बना है, गेहूं से बना है। तो इसी तरीके से वो फाइनल वैक्सीन को देखेंगे कि वो किस चीज़ से बनी है, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनीज पता कर लेगी कि ये वैक्सीन बनी कैसे है, और इस तरीके से ये बिना इसकी परमिशन के मैन्युफैक्चर कर सकेगी। क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग हमेशा दी जा सकती है? नहीं, ये तब दी जा सकती है जब बहुत ज़्यादा हेल्थ इमरजेंसी हो, ठीक है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो, उस समय पे ये कंपलसरी लाइसेंसिंग एक कंट्री प्रोवाइड कर सकती है। क्या पहले की जा चुकी है? हाँ की जा चुकी है। कब की गई? जो हमारे आर्टिकल में हमने देखा कि एड्स, जब HIV/AIDS हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस होते थे वैक्सीन के, तो फिर क्या किया सरकार ने, कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दी, कुछ कंपनियों ने क्या कर दिया, वॉलेंट्री लाइसेंसिंग दे दी दोनों तरीके की, और तब उनके रेट $200 से लेकर $40 तक आ गए। और आज के समय में भारत में 13 कंपनीज ऐसी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है HIV/AIDS की दवाइयाँ, ठीक है, क्योंकि उनको लाइसेंस मिल चुके हैं। तो समझ गए भाई, ये कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्लोज कब आया, दोहा डिक्लेरेशन हुई थी भाई 2003 में, उसमें कहा गया था कि अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो कंपलसरी लाइसेंसिंग एक गवर्नमेंट दे सकती है अपने देश की कंपनीज को, ठीक है भाई, ये बातें समझ गए आप सारे। अब कंपनी, ये वाली कंपनी कौन सी चीज़ प्रेफर करेगी, क्या वे प्रेफर करेगी वॉलेंटरी लाइसेंसिंग या कंपलसरी लाइसेंसिंग, इसको ऐसे समझिए। वॉलेंटरी में क्या होगा, ये अपने आप सब कुछ बता देगा कि वैक्सीन कैसे बनी है, ठीक है, और आप बस बनाइए आगे। लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग में इसको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वैक्सीन किस किस चीज़ों से बनी है। तो ये कंपनीज प्रेफर करती है कि ये वाली कंपनी वॉलेंटरी लाइसेंसिंग दे दें इनको, जिससे कि इन्हें पहले से पता हो कि किस चीज़ से बनी है वैक्सीन, इनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। तो यही इस आर्टिकल में कहना चाह रहा है कि दे प्रेफर टू वर्क विद वॉलेंटरी लाइसेंसिंग, अदरवाइज क्या होएगा, ये कंपनी इससे लड़ेगी कि तुमने कैसे हमारा लाइसेंस ले लिया। अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग हो तो लीगल बैटल बिटवीन देम,
ठीक है, ये बातें समझ गया, अब ये सारा कवर हो गया। अब एक और क्या अल्टरनेटिव बताया गया है कि अगर वैक्सीन की कॉस्ट कम करनी है, भाई ये कॉस्ट कम करने के लिए तो कर रहे हैं ना कि इनको लाइसेंस दे दिए, अगर वैक्सीन की कॉस्ट कम करनी है तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो पेटेंट राइट्स को हटा दिया जाए जो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है उसको हटा दिया जाए, और दूसरा तरीका क्या है कि आप कोवैक्स के ऑप्शन को देखो, मेरी पिछली वीडियो देखना, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। कोवैक्स का ऑप्शन क्या है कि एक अलायंस बना हुआ है जिसमें सारे देश आके क्या, एक कोवैक्स एक अलायंस है जहाँ सारे देश आके कंट्रीब्यूट करते हैं वैक्सीन को, एक जगह पे वैक्सीन इकट्ठी करते हैं और फिर उन वैक्सीन्स को गरीब देशों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, समझ गए। तो एक ऑप्शन कोवैक्स का है, लेकिन इसमें आर्टिकल में एडिटर ने कहा है कि जो कोवैक्स का ऑप्शन है वो अंडर फंडेड है, यानी उसमें बहुत कम फंड डाला है कंट्रीज़ ने, बहुत कम कंट्रीब्यूशन किया है। मैंने खुद आपको भारत का केस बताया कि भारत को सप्लाई करने थे 20 करोड़ वैक्सीन, लेकिन भारत ने 2 करोड़ दिए खुद कुल कोवैक्स में। तो इसलिए ये कह रहा है एडिटर कि अगर इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन चलता रहा कोवैक्स में तो जो लो इनकम कंट्री है उन तक वैक्सीन पहुंचाने में 2022 हो जाएगा, और तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइम कह रहा है ये आर्टिकल वाला कि जो WTO है उसको ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है वो वेव ऑफ कर देना चाहिए और पेटेंट शेयरिंग होनी चाहिए कंपनीज के बीच में। सो भाई होप यू लाइक इट, और मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया इस आर्टिकल में, और मैं चाहूँगा अपने दोस्तों पे आप ज़रूर शेयर करें क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है इन बातों को पता करने में, और एक न्यूज़पेपर का पढ़ने का तरीका भी देखें उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है भाई। और वीडियो के एंडिंग में मैं प्लेलिस्ट वगैरह लगा दूंगा जो भी होगी, तो आप देख लेना। थैंक यू।